और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने गए शिवसेना के 9 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पिछले दिनों केंद्र सरकार को चुनौती दे दी थी कि केंद्र लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाए, जिसके जवाब में शिवसैनिक लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए पहुंच गए। शिवसैनिक जैसे ही जम्मू के लाल चौक पर पहुंचे, तिरंगा फहराने लगे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जम्मू कश्मीर के बीजेपी विधायक रविंद्र रैना का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा उनका और उनके बयान का यह करारा जवाब है। भारत माता के कुछ मतवाले नौजवानों ने श्रीनगर के लाल चौक में जो तिरंगा झंडा लहराया है, हम ऐसे वीर जवानों को बधाई देते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक चैलेंज दिया था कि लाल चौक में तिरंगा झंडा लहरा के दिखाओ। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देखना चाहिए किस तरीके से आज कश्मीर के घाटी के श्रीनगर के लाल चौक में भारत माता के वीर सपूत नौजवानों ने कितनी शान के साथ तिरंगा झंडा हाथ में पकड़कर लाल चौक में लहराया है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा, और जम्मू कश्मीर में सिर्फ तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और भारत माता की जयकारे और वंदे मातरम के गुणगान होंगे। ये आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आंखें खोलने वाला साहसिक कदम हमारे नौजवानों ने किया है। बधाई के पात्र हैं हमारे वीर जवान जिन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है।